हे गाइस, दिस इज मुकुशर मैन, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई इस टाइम में मेरे सामने खड़ी होने वाली है अपनी पार्ट शेयरिंग टोयोटा के साथ, जो कि अपनी इन्विक्टो कहें या फिर अपनी हाई क्रॉस की बहन कह ले तो ये चीज़ भी हम लोग कह सकते हैं। तो भाई इस टाइम में मेरे सामने खड़ी है और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक से। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त इसकी ग्रिल को बनाया गया एंड इंस्पायर्ड हमारी हो सकती है पीछे खड़ी ग्रैंड विटारा के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं क्रोम का कितना ज़्यादा अच्छा वर्क यहाँ पर करके दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है फ्रंट ग्रिल के अंदर। नीचे की साइड पर अपने को बम्पर के अंदर भी काफ़ी जगहों पर यहाँ पर देखने को मिल जाती है भाई पियानो ब्लैक फिनिश। तो आ जाते नीचे की साइड पर, तो भाई यहाँ पर अपने को इसके अंदर टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि LED होने वाले हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आते तो अपने को यहाँ पर स्किड प्लेट अपनी सिल्वर फिनिश के अंदर देखने को मिल जाती है। तो हेडलैम्प्स की बात कर लेते, अपने को LED बेस्ड हेडलैम्प्स देखने को मिलती है थ्रू आउट ऑल दी वेरियंट्स। तो वेरियंट्स की बात बताऊँ तो भाई नेक्सा के अंदर स्पेसिफिकली ये दो वेरियंट्स के अंदर आने वाली है, जो कि अपनी जेटा एंड अपनी अल्फा के अंदर। तो ये जेटा ऑटोमेटिक कार होने वाली है, साइड टू साइड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे सबसे पहले आ जाते हैं अलॉय व्हील्स। तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स सुजुकी के अपने को देखने को मिल जाते हैं 17 इंचज़ के साथ, जो कि अपोलो के टेरा सीरीज़ के टायर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में अपने को डिस्क देखने को मिल जाती है एंड रियर साइड पर अपने को डिस्क देखने को मिल जाती है। तो चारों अपने को डिस्क यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। साइड व्हील आर्ट्स के ऊपर अपने को किसी भी तरीके की ग्लाइडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बट जो हम लोग देखें तो फ्रंट साइड में सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो साइड अगर हम आएँ तो भाई रनिंग बोर्ड्स के ऊपर ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, तो जो कि प्लस पॉइंट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम आएँ तो भाई फॉर्चूनर से इंस्पायर्ड अपने को यहाँ पर इसके साइड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, फिर ORVMs हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को भाई LED टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरीके का अपने को सिस्टम साइड से देखने को मिलता है। पीछे की साइड पर अपने को फ्यूल लीड इस साइड पर देखने को मिल जाती है। तो रियर साइड की तरफ अगर मैं आप लोग को लेके चलूँ तो भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो रियर साइड प्रोफाइल कार का कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो भाई अपने को यहाँ पर इसमें रिवर्स व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है, इन्विक्टो की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टेल लैम्प्स की बात करते हैं, टेल लैम्प्स अपने को LED बेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को हैलोजन के अंदर इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प हैलोजन देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और रिफ्लेक्टर्स अपने को यहाँ पर नीचे की साइड पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये साइड पर अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले अपने को यहाँ पर रियर विंडशील्ड के ऊपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलने वाला है और यहाँ पर अपने को एक वाइपर देखने को मिल जाता है। नेक्सा की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो रूफ़ के ऊपर शार्क फिन एंटीना अपने को देखने को मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगर हम लोग रियर साइड प्रोफाइल से, तो कार का डोर पैनल ओपन करते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले अपने को यहाँ पर सनलाइन देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी फिटेड यहाँ पर आने वाला है कार के अंदर। एंड यहाँ पर ब्रॉन्ज अपने को देखने को मिल जाता है, इंसर्ट्स, चारों पावर विंडोज़ देखने को मिलती हैं, लेदर राइट का अपने को सॉफ्ट टच कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं 1 लीटर का बोतल होल्डर देखने को मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने को यहाँ पर स्टेप इन स्टेप आउट के लिए स्पेसिंग देखने को मिलती है। तो अपने को यहाँ पर कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाती है रियर साइड में, और 7 सीटर कार होने की वजह से भाई यहाँ पर अपने को ये वाली सीट्स ईजीली फोल्ड होती हुई देखने को मिल जाती है दोनों साइड पर। और यहाँ पर अपने को 7 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर, ताकि हमको कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। और अगर बात करते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर अपने को ये वाली सीट्स का भी कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बैठ के अगर आप लोग को बताऊँ तो अंदर अपने को सबसे पहले यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलते हैं दोनों साइड के। यहाँ पर अपने को कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं एंड कुछ इस तरीके का अच्छा खासा सामान रखने के लिए स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। तो रियर साइड से अगर आप लोग को बताऊँ हमको क्या क्या चीज़ें एक्सेस करने को मिलती हैं, सबसे पहले अपने को यहाँ पर भाई अच्छे खासे AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इधर अपने को कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पर कार के अंदर बैटरी प्लेस नहीं है, क्योंकि भाई कार इस टाइम पर शो में खड़ी है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड पर अपने को सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स 2 देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपने को हैंगिंग के लिए हुक देखने को मिल जाता है। और रियर से अगर हम लोग फ्रंट साइड का व्यू की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं एंड वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भाई अपने को ये वाला एक टाइम पर देखने को मिला होगा व्यू। तो रियर साइड में अगर आप लोग को दिखाऊं तो कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रियर साइड की सीट्स जो है वो रिक्लाइनर के साथ अपने को देखने को मिल जाती हैं, और सीट बेल्ट्स अपने को सारी जगहों पर देखने को मिलता है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर की गई है अच्छे खासे तरीके से। और अगर आप लोग को ड्राइवर साइड का व्यू दिखाऊँ कार के अंदर चलकर, तो भाई कुछ इस तरीके का अपने को इधर से ड्राइवर साइड का डोर पैनल का व्यू आने वाला है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर इसके अंदर भाई लेदराइट का सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। थ्रू आउट द डोर तो नहीं होने वाला, बट जो भी है भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ पर अपने को अच्छा खासा ब्रॉन्ज देखने को मिल जाता है इंसर्ट,
और इधर अपने को भाई और भी कंट्रोल्स एंड अपने पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। 1 लीटर का बोतल होल्डर यहाँ पर एंड अपने को इस साइड पर पीछे की साइड पर यहाँ पर अच्छी खासी डोर पॉकेट देखने को मिलती है। हैजार्ड लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है और अंदर की साइड पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी अच्छा खासा अपना ख्याल रखा गया है कि भाई स्टेप इन स्टेप आउट करते हुए बंदे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर भाई इसके अंदर हाइट एडजस्ट एंड रिक्लाइनर वाली सीट्स देखने को मिलती है। एयरबैग्स कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं तो अच्छी तरीके से उसको भाई हमारे इस एयरबैग्स को जो है स्प्लिट करा गया है। और बैठ जाता हूँ कार के अंदर, आप लोग को फिर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या कम्फर्ट होने वाला है। तो सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील देखें तो भाई स्टेयरिंग व्हील अपने को 3 स्पोक देखने को मिलता है। इस साइड पर क्रूज़ कंट्रोल एंड इस साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलने वाले हैं। एयरबैग एक यहाँ पर होने वाला है। सिल्वर फिनिश लेदराइट स्टिच स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा अपने को MID देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं इस साइड पर अपने को स्पीडोमीटर या फिर इकोनॉमी हाइब्रिड वाला सीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को लेवलर देखने को मिलता है हेडलाइट्स का और नीचे की साइड पर अपने को कुछ ज़्यादा अच्छा खासा चीज़ें नहीं मिलती। सबसे पहले अपने को आर्मरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग देखें तो ये अपना अच्छा खासा ओपनेबल है स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं कप होल्डर एंड इस साइड पर अपने को एक USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करते हैं इस साइड पर तो अपने को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थ्रू आउट ऑल दी वेरियंट्स देखने को मिलता है बेस टू टॉप। और यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है, होल्ड एंड अपना अच्छे खासे ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं अगर सेंटर कंसोल की तो सेंटर कंसोल में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर टच पैनल दिया गया है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस जगह पर देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है लेदराइट और इस साइड पर सिल्वर फिनिश की भी अच्छी अच्छी जगहों पर चीज़ें रखी गई हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो अपने को सिगरेट लाइटर पोर्ट इस जगह पर देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करते तो ग्लव बॉक्स प्लेंटी स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस इसके अंदर रखा गया है। एयरबैग्स मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर स्प्लिट करे गए हैं। और यहाँ पर अपने को अच्छे खासे इसके अंदर ट्विटर की प्लेसमेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने स्पीकर्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से साउंड परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं इस जगह पर एंड उस जगह पर। और ऊपर की साइड पर बात करते तो अपने को यहाँ पर अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाता है SOS का बटन एंड अपना फ्रंट की तरफ का रीडिंग लैम्प। यहाँ पर अपने को वैनिटी विद इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है एंड इस साइड पर भी वैनिटी विद इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है। माइक की प्लेसमेंट इस जगह पर की गई है एंड ये अपने को ऑटो डिमिंग या फिर हमारा नहीं, ये भाई अपना मैनुअल डिमिंग वाला IRVM देखने को मिलने वाला है। तो अच्छी खासी डील्स के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनी की डिटेल्स एंड अपना सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस कार विद वेरी मच बेस्ट प्राइस तो आप लोग को नीचे अच्छे खासे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। एंड बात करते हैं अगर हम लोग तो मैं आपको सर से भी मिलवाता हूँ, उससे पहले बात करते हैं अगर आप लोग को गाड़ी अच्छी लगी है और मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड फॉलो मी ऑन Instagram, वो भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।